हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है, मेरा नाम मेरा नाम अमर अली मेरा नाम है। अमर है। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी की एक और वीडियो आ गई है। टाइटल है पीएम मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विजिट दी जयपुर जंतर मंतर। भाई तो ये जयपुर में जंतर मंतर है, वो आज विजिट करेंगे फ्रांस के, वो भी प्रेसिडेंट है भाई। तो ये बड़ी बात है कि मोदी जी के साथ हैं वो। देखते हैं भाई क्या होता है। प्ले करें। हाँ, प्ले करो। और जिस केमिस्ट्री का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे थे स्टूडियो में, आपको दृश्य में दिखाई दे रही है। आप देखिए कितने सहज तरीके से दोनों गले मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए। और इस वक्त जंतर और आ मंतर, जाए ये जंतर मंतर की दृश्य है। जंतर मंतर यूनेस्को का हेरिटेज साइट बिल्कुल। और शोभा यात्रा, अगर मैं इसको हेरिटेज टूर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप देखें, यहाँ से जंतर मंतर से निकल करके सांगनारी गेट तक जाएंगे, हवा महल में बीच में स्टॉप ओवर है, उसके बाद मसाला चाय का आनंद लेंगे और फिर बायलेटरल। तो ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसके हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एकदम कोई हार्ड टॉक्स नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत नहीं। ये बात चल रही भाई जंतर मंतर में, कैसे भारत की प्राचीन तकनीक के जरिए हम कैसे समय को सूर्य के साथ जोड़ करके देखते थे। और दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है जहाँ पर आप सूर्य की छाया से समय को नापते हैं और वहाँ की जो घड़ी है वो आपको बताती है कि कितना वक्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के जरिए दो महाशक्तियां, अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए, ख़ास तौर पर सांस्कृतिक तौर पर और हेरिटेज डिप्लोमेसी के जरिए, इस वक्त बिल्कुल तैयार अगले मैग्निफिसेंट रोड शो के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं पीछे जयपुर का जंतर मंतर। 1724 से लेकर 1734 के बीच ये गार्ड, मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस तरह से ये काम करता है। हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि 1724 से लेकर 1734 के बीच इसका निर्माण किया गया था। खगोलीय वेधशाला इसे कहा जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यहाँ अगर आप जाएँ तो यहाँ बहुत ही 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति और स्थिति, सौर मंडल के ग्रहों, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना ताकि भारत किस तरह से अपने ऐतिहासिक तौर पर भी इन चीज़ों में काफ़ी काम किया है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ आर्यभट्ट ने किया, और किस तरह से आर्यभट्ट की यह धरती और वेधशाला, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत अपने विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है, आधुनिकता को भी साथ लेकर चल रहा है। आज जिस प्रांगण में इस वक्त दोनों नेता खड़े हैं, विश्व के दो दिग्गज नेता, ये बड़ी हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए अमृतपाल। अमृत, जिस बैकड्रॉप में दोनों नेता खड़े हैं वो जंतर मंतर है जयपुर का। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास विरासत भी है, आधुनिकता भी है, दोनों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, कैसे देखा जाए इसको? यूज करना भारत सिर्फ दिल्ली तक विकसित, मतलब मोदी जी ने मनवाया है अपने आप। भारत बहुत बड़ा है, इसकी डाइवर्सिटी, वरना ये गोरे किसी के सगे नहीं है। देखो कैसे सुंदर मुल्क है, उसके अलग वाइब्रेंसी, अलग अलग किस्म की अलग अलग वाइब्रेंसी है, उसके कलर्स है। राजस्थान तो अपने आप में बहुत कलरफुल है, यहाँ यहाँ के लोग, यहाँ की विरासत, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ की जो एक रॉयल्टी का के जो आर्टिफैक्ट हैं और उस एज के, पर उसके साथ उस जमाने की जो एक साइंटिफिक टेंपल, जंतर मंतर को यूज करना कि साइंटिफिक टेंपल, उस जो हमारी सिविलाइजेशन एफर्ट्स थी उसमें स्टीप दिन था। तो जंतर मंतर को आज फ्रेंच प्रेसिडेंट को उसका एक गाइडेड टूर देना और वहाँ उनको रिसीव करना, जबकि वो मुख्य अतिथि बन के आए हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, तो ये उसकी सिंबलिज्म ये है। अति अमृत, अगर हम ये देखें कि जब मिस्टर मैक्रो जब सेकंड बार इलेक्ट किए गए तो भारत के प्रधानमंत्री पहले वर्ल्ड लीडर थे जो उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। G7 की बात हो, G20 की बात हो, हमेशा साइडलाइंस पे दोनों लोग मिलते रहे हैं, लेकिन आज का जो दिन है लगता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का है। बातें हेरिटेज को लेकर के होंगी, संस्कृति होगी, और मुझे लगता है फ्रांस भी एक प्राचीन संस्कृति है और इमैनुअल मैक्रों भी भारत की प्राचीन संस्कृति को देख करके उनके मन में भी विचार आ रहा होगा कि कितनी समृद्ध विरासत रही है भारत की।
बिल्कुल, फ्रांस तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ही है वहां पर, जो रेनेसां आई वो पेरिस की स्पीच पर आई, यूरोपियन रेनेसां। और आज ये दिखाना है, मैं इनफैक्ट अपने कैमरामैन को कहूंगा कि अगर आपको दिखा पाए जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां अभी थोड़ी देर पर हमें प्रधानमंत्री जब जंतर मंतर से निकलेंगे और राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री एक रोड शो करते हुए सड़कों पर एक ओल्ड सिटी की जो वॉल सिटी की सड़कों पर यहाँ पर आएंगे हवा महल पर, ये अपने आप में एक 16th century जो मॉन्यूमेंट है आपका, वो ऐसा बनाया गया था कि इसके झरोखे की जालियां कि आप विंड को कैसे यूटिलाइज कर पाए जब आपके पास एसी नहीं हुआ करते थे, कूलर्स नहीं हुआ करते थे, पंखे नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे वो बड़े पर्दे वाले पंखों से आप हवा जला करते थे, तो किस कैसे इस डेजर्ट स्टेट में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है गर्मियों के की ऋतु में, तो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर पाए। तो क्लियरली ये एक आर्किटेक्चुरल मार्वल है, सुंदर बिल्डिंग है, पर उसके अलावा इसकी यूटिलिटी इसका और उसका साइंस को यूज करना इस आर्किटेक्चर में, ये क्लियरली दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री आपने सही कहा कि ये वाला पार्ट जो है, पहले उनको रिसीव करना, उनका आम एयरपोर्ट जाना और फिर उनको जंतर मंतर पे रिसीव करना, फिर ओल्ड सिटी जिसको जो पिंक सिटी है, गुलाबी शहर है, ओल्ड जयपुर, उसमें रोड शो करना, लोग अभी तो जहाँ मैं हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको खाली करवा लिया गया है, पर जब मैं आ रहा था यहाँ पर लोगों का हजूम है सड़कों पर, जैसे पुराने वॉल्ड सिटी नहीं होते, छोटे छोटे घर हैं, उनके झरोखे हैं, अपनी बालकनी पे खड़े हैं लोग देखने के लिए, झलक पाने के लिए दोनों लीडर्स की, तो शहर में उत्सुकता है। फिर शाम को जब आरामबाग पैलेस में ये रात्रि भोज के लिए मिलेंगे, तो वहाँ दोनों लीडर्स की जो सब्सटेंशियल मुद्दे हैं उन पर करीब एक घंटे की बातचीत होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन इनके साथ आई है जिसमें के विदेश मंत्री, इसके डिफेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट जो सेक्टर से बड़े कॉर्पोरेट काउंसिल्स हैं वो इनको कंपनी कर रहे हैं, राजस्थान के गवर्नर चीफ मिनिस्टर और यहाँ के डेप्टी चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, पर डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री, रक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, ये प्रधानमंत्री के साथ होंगे। तो क्लियरली ये विजिट का सब्सटैंशियल और जो आपने कहा कि सॉफ्ट कल्चरल एस्पेक्ट दोनों है इस 6 घंटे जो प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों यहाँ बिता रहे हैं। जी इस वक्त हम देखें तस्वीरों में तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे जबरदस्त केमिस्ट्री के बीच दोनों नेता एक बार फिर से मिल रहे हैं। 6 बार पहले मिल चुके हैं, एक अगर एक साल की हम बात करें, और उसके बाद कितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, और इस शोभा यात्रा की जो शुरुआत अभी थोड़ी सी देर बाद होने वाली है, जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर, जहां पर 18 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं और सबसे बड़ी पत्थर की ऑब्जर्वेटरी बनाई थी सवाई राजा जयसिंह ने, और लघु सम्राट यंत्र जो अभी थोड़ी देर पहले आप घड़ी देख रहे थे जिसके जरिए जिसको सन डायल कहा जाता है और आप लोकल टाइम को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अमृतपाल जी, अगर दोनों देशों के रिश्ते की बात की जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि अब अच्छे समय की शुरुआत हुई है, क्योंकि एम्बेसडर गुरजीत जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, 25 साल तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका रिलेशनशिप जिसे एम्बेसडर गुरजीत सिंह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, पहले भी करती आई है, पर अब जैसे जिस तरह की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है, आप कंप्लीटली दुनिया को ह्यूमन कैसे परसीव करते हैं, रियालिटी को रियालिटी कैसे प्ले आउट होती है, उसके फायदे आपकी आम जिंदगी में क्या हो सकते हैं, वो एक क्वांटम जंप होगा। तो जो देश उसके लिए तैयार होंगे वो उसका फायदा सबसे पहले उठा पाएंगे, और भारत और फ्रांस की कमिटमेंट इसको अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करना, ना सिर्फ अपने लोगों की, दुनिया के उन देशों के जो आवाम रहती है या जो फ्रांस का प्रेसिडेंट खुद ही हैरान हो गए क्या क्या चीजें हैं, को यूज करके और कोलैबोरेट करके, तो ये क्लियर कमिटमेंट दिखती है भारत और फ्रांस की। बिल्कुल, और डॉक्टर अंशु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इन तस्वीरों पे।
कि चूंकि ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जंतर मंतर, और भारत यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी जो लिस्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि हर साल उसमें एक दो तीन चार इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। इसके पीछे भी एक मैसेज है कि भारत अपने कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज को कितना संभाल के रख पा रहा है, उसका कितना केयर कर रहा है। निश्चित तौर पर, और इसमें लेकिन एक और बिंदु हम जोड़े यदि असीम, तो भारत की शक्ति का मैं परिचय कहूंगी कि ये देखिए ये कितने सुंदर दृश्य, ये भारत की प्राचीन जो वैज्ञानिक शक्ति थी ये उसके कहीं ना कहीं दृश्य हैं, ये झरोके हैं जो हम देख रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस जैसे जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं उन्होंने हमेशा पश्चिमी देशों की ओर देखा। तो अब जो ये हर साल आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा कि जो ये इस प्रकार की जो हमारी धरोहर है, ये जो हेरिटेज साइट्स में यूनाइटेड नेशंस की लिस्टेड होती जा रही है, तो ये इस बात का परिचायक है कि धीरे धीरे ये जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं ये डीकोलोनियलाइज अब हो रहे हैं वास्तविक रूप से, और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल में देखती हूँ। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो ये गुलामी की मानसिकता है और औपनिवेशिक काल की जो ये एक मानसिकता है उससे तमाम इंस्टीट्यूशंस को वो दूर ले जाने का काम कर रहे हैं, और ये इस बात का भी द्योतक है और इस बात का भी हमें संदेश दे रहा है कि न सिर्फ अभी बल्कि पुरातन काल में भी हमारे पास वो इतनी शक्ति थी, इतना टैलेंट था कि हम उस जमाने में भी इस वर्ल्ड लेवल का जो वेधशाला उसको हम बना पाए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की खगोलीय वेधशाला सिर्फ जयपुर में नहीं है, दिल्ली में भी है और उज्जैन में भी है, और इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास कई ऐसी एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। 4 BC में हमारे यहाँ पर सर्जरी की जा रही थी, फिर हम चरक के योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं, हमने विश्व को शून्य दिया, हमने पूरे विश्व को जिंक और स्टील को स्मेल्टर करने की तकनीक सिखाई। हमारा जो ये खगोलीय शास्त्र में कहीं ना कहीं जो हाथ है, हमारे जो आज पंचांग हैं उन्हें हम देखते हैं सालों साल बिना किसी त्रुटि के हम उनके माध्यम से गणनाएं कर पाते हैं, गणित को जो हमारा योगदान, बिल्कुल तक्षशिला नालंदा वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमने विश्व को दिए हैं। और ये वो समय था जब पूरी दुनिया से लोग अध्ययन के लिए शोध के लिए भारत आया करते थे, और कहीं ना कहीं उसी युग में मुझे लगता है हम वापस पहुंच गए हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री कहते हैं डॉक्टर अंशु कि हमें हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं, ये तस्वीरें उनके जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वाकई हम थे, हम बीच में उसे भुला दिया गया, लेकिन एक बार फिर से हम विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे। निश्चित तौर पर विश्व गुरु विश्व मित्र, तो जो मैक्रों के साथ खड़े हैं वो विश्व मित्र मुझे दिखाई पड़ते हैं, और उनके पीछे जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो विश्व गुरु का दृश्य मुझे दिखाई पड़ता है। विश्व गुरु और विश्व मित्र एक साथ बार मोदी जी टूर करें हमारा भी ना बात बन जाए। लिबर्टी ले पाऊं राइट हार्टेड कमेंट के लिए, तो विश्वा मित्र जैसे ऋषि पहले से ही हमारे देश में रहे हैं, बिल्कुल, और कहा जाता है शून्य के साथ नहीं हो सकता। अभी फिर से न्यूज आई है इंडिया ने हमारे 2 पाकिस्तानी मार दिए, निश्चित तौर पर ये पता नहीं हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम बनता है। वो डॉट जो है ना हमारे यहाँ तो होता है ओंकारम बिंदु संयुक्तम, तो अगर बिंदु ना हो ना उस बिंदु से, उस बिंदु को सृष्टि का निर्माण माना जाता है, उस बिंदु से ही सबकी उत्पत्ति मानी जाती है। वो बिंदु अगर भारत ने दिया है विश्व को, जिसको आप विश्व गुरु बाबा कह रहे हैं, हालांकि विश्व के रूप जीरो की एजाज इंडिया ने नंबरों में जीरो है, परंपरा में विश्व जो कि भगवान विष्णु का पहला नाम है, हमको जीरो को वैल्यू ही नहीं देते, पर विश्व पहला ही नाम है, जीरो के बिना कुछ बनता नहीं थी, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आता है। तो अगर संपूर्ण ब्रह्मांड की के तत्व को अगर कोई समझता है इस पूरे दुनिया में, तो शायद भारत ही समझता है, निश्चित तौर से। इसलिए हम बार बार कहते हैं विश्व, लोगों को लगता है विश्व गुरु क्यों है, लोग मजाक उड़ाते हैं भारत विश्व गुरु बात बात करते हैं, हम लोग कैसे बन पाएंगे, हमारे यहाँ खाने पीने की दिक्कतें हैं और हम लोग अपने लोगों को कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, विश्व गुरु करने की बात करते हैं, लेकिन वो न विश्व को समझते हैं न गुरु को समझते हैं, और विश्व गुरु का तत्व क्या है उसको समझते हैं, उनकी बात नहीं करते। इन तस्वीरों के जरिए जो हम जब हम इस बात को कर रहे हैं, तो जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, इस तरह की चीजें, चाहे वो योगा उसी बात पर मैं योगा की बात हो, इस तरह की बात हो, ये भारत अब हालांकि बहुत दिनों तक इसको छुपाया गया, लाइट हार्टेड नहीं बताया गया, लेकिन सोचिए लाइट हार्टेड की मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, जब अमेरिका स्टेट विजिट पे थे, स्टेट विजिट उससे पहले, स्टेट विजिट से पहले जब संसद को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा यूएस कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि भाई योगा पर हमने कोई अपना पेटेंट क्लेम नहीं किया, हमने हल्दी पे पेटेंट क्लेम नहीं किया, तो ये सारी चीजें हम विश्व को देते हैं कि हम देने में विश्वास करते हैं, हम साझा करने में विश्वास कर सकते हैं, हम दूसरे देशों की तरह नहीं, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई
तो अब मेरे पास कि मैं न्यूक्लियर पावर हूँ, मेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, मैं फ्रांस हूँ तो मैं किसी दूसरे देश को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देश हमसे आगे चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बहुत सारे विकसित देश तो कहते हैं भाई, अजय ऑन सीरियस नोट, कि हमने कोविड के टाइम में देखा कि बहुत सारे विकसित देश 55 देशों को हमने कोविड को हमने दिया, ऐसी कंपनीज जो कि विदेशों में थी उन्होंने देने से मना कर दिया। न सिर्फ ये, हम देखे कि उस समय जो अत्याधुनिक देश थे, इटली जैसे देश थे, अमेरिका जैसे देश थे, वैक्सीन को शेयर करने से मना किया उस फॉर्म ने, न सिर्फ अपने कोविड-19 से वे ना अपने लोगों को बचा पाए, ना वे उतना इफेक्टिवली मैनेज कर पाए जितना हम कर पाए, हमारी कितनी जनसंख्या होने के बावजूद, और जिस प्रकार की हमारे, हम एक कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमी, हम उतने अत्याधुनिक देशों में से नहीं आते, पर हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, और हमने 115 से भी अधिक देशों को अपना वैक्सीन बना करके सहायता की। और शायद इसीलिए उस समय बोल्सोनेरो ने एक कितना सुंदर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने भारत के द्वारा की गई सहायता को हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाए जाने से जोड़ करके और हमें धन्यवाद दिया था। तो ये वही फिर उसी बिंदु पर आऊंगी कि जो विश्व में दिखाई दे रहे हैं, चाहे बोल्सोनारो हो, चाहे मैक्रों हो, चाहे हम अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को देख लें, उनके साथ वो मित्रता के नए आयाम जो है वो स्थापित करते हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा, और हमने देखा कि कई वर्षों तक एम्बेसडर की भारत की जो ये जो सॉफ्ट पावर है उसको शोकेस नहीं किया गया फोरम पे, एक पुतला बनाया था कोई बड़ी पर्सनालिटी की, उसकी तलवार पता नहीं कुछ रात को गुम कर दिया। ऐसे में बहुत वर्षों तक हमने उस पावर पर नजर रखते हैं, ये 10 वर्षों में देखा है, चाहे वो यार कोई हिंदू का ये पुतला हमारे यहाँ कोई निशानी बनाई थी प्रधानमंत्री ने और सरकार ने, एक ये मोहन बाजार किया और दुनिया जाने की वहां पर भी तो खंडर बन गया है, तो उनके पास वो ऐसे एसेट्स हैं जिनके दम पर वो बन सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, उनकी दूरदर्शी नीति और उनका जो एक विजन था उसको आप कैसे देखते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के आईने में? मैं उसे बड़ी पॉजिटिवली देखता हूँ भाई। मानते हैं हम इंडिया मतलब विश्व गुरु बनने जा रहा है, आप कह रहे बनने जा रहा है, बट हमें तो लगता है बन ही गया है। मतलब जिस तरह ये सारे लोग जो इनको फॉरेन के जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखो तो वर्ल्ड कप भी हुआ था और भी बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो विश्व गुरु भाई बन गया। और अभी नई बातें पता चली कि वैक्सीन भी भारत ने दी थी पूरे मतलब 115 देशों को, तो ये खुद में ही अचीवमेंट है। तो हम तो यार मान गए इंडिया को कि इंडिया वाकई में मतलब विश्व गुरु बन गया है। और आज देखा कि फ्रांस का प्रेसिडेंट यहाँ पर विजिट करने के लिए आया, जंतर मंतर, और ये भी एक नई जगह थी हमारे लिए जिसमें मतलब सूरज से टाइम का पता चलता है। ये बड़ी बात है कि उस दौर में उन्होंने इस तरह की तख्लीक की कि जिसमें वक्त का पता चल जाता है, वरना आज तो घड़ियाल घड़ी है ये वगैरह, लेकिन ये एक नई चीज़ थी हमारे लिए। बड़ा अच्छा लगा मोदी जी और जिस तरह ये प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे थे, ये तो मतलब ऐसा लग रहा था पुराने करीबी दोस्त हैं जैसे, तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो में यार। बड़ी खूबसूरत जगह है यार, क्या है हमारे पास अति देश कर कब्जा होता है, ये मेरी जगह है भाई, पर यार ये मोदी जी का देश है भाई, इंडिया हर चीज़ को संभाल के रखता है भाई, अपने पूर्वजों का जो भी चीज़ें हैं ना इनके पास वो संभाल के रखते हैं भाई, चाहे वो मुसलमानों की हो या हिंदुस्तान की, भाई सलाम है मोदी जी को भाई, बहुत ज़बरदस्त। हमारे यार कोई भी सालों से इंतज़ार में, तो कोई तो आए तो सही, हमारे पास भी देखे तो सही, कोई भी नहीं आता, हम भी देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को देखकर हमारा भी दिल खुश हो जाता है, तो पड़ोसी बोल के यार वो भी तरक्की कर रहा है तो हमें खुशी मिलती है। नरेंद्र मोदी जी रिक्वेस्ट है तो हमारे पाकिस्तान में भी आए और योगी जी को भी साथ लाए लेकर आए, तो थोड़ा हमारे पास भी तब्दीली आ जाए यार, थोड़ी बहुत मज़ा आ गया देखकर नरेंद्र मोदी जी को। हाँ अमर भाई देख रहे हो ना इंडिया की तरक्की? हाँ भाई बहुत अच्छा लगा, ये भाई फ्रांस का प्रेसिडेंट आया तो बहुत अच्छा लगा, जैसे भाई थे भाई, कोई डर ही नहीं था, ऐसे फिर अच्छी जगह भी भाई मुलाकात होगी, तो मैं तो हैरान हो गया, मोदी जी को हर बार देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी लगी हमें वीडियो, अगर ऐसी और भी वीडियो होंगी हम आपके साथ ही देखेंगे। थैंक यू।